नमस्कार दोस्तों, एनआर स्टडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल एनआर स्टडी ई लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है, तो सभी टीकाकरण करवाए और कोई भी अफवाह में ना रहे कि इसकी वजह से ये हो सकता है, वो हो सकता है। टीकाकरण सभी को करवाना है और इसी से ही एकमात्र कोरोना से बचा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखें। अब कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण में 18 प्लस एज वाले लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो रहा है। वैक्सीन को लेकर कई तरह की चिंताएं देखी जा रही है, ऐसे में हम आपको यहाँ वैक्सीनेशन के बारे में कुछ टिप्स बता रहे हैं जिससे ये चिंताएं दूर करने में मदद मिलेगी। अर्थात आज हम आपको बताने वाले हैं कि टीकाकरण के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, उसका आप ध्यान रखें। तो चलते हैं आगे और अगले पेज पर। तो हो सके तो आप जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ को आप शेयर करें कि ये सभी के लिए फ़ायदेमंद रहे। तो पहले यहाँ पर बात आ रही है टीका लगने से पहले। तो टीका लगने से पहले आपको क्या करना है, तो ये आप ध्यान दे दीजिएगा। पहली बात है कि आपको दिख गया होगा कि पर्याप्त मात्रा में क्या करें, आराम करें, पर्याप्त आराम करें। अर्थात टीका लगवाने से पहले, टीकाकरण से पहले आपके शरीर को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आराम की ज़रूरत पड़ेगी। यानी बिल्कुल भी टेंशन में ना रहे कि भाई मेरा टीका लगाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल भी माइंड में ना रखे। टीकाकरण से पहले आपके शरीर को आराम की ज़रूरत होती है और कम से कम आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि पूरा देखने के उपरांत आपको संपूर्ण जानकारी पता चल जाएगी और ये वीडियो आपको शेयर भी करना है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, अपने मन और शरीर को शांत रखें और कठोर एक्सरसाइज करने से बचें। अक्सर क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि भाई हमें अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, तो हम क्या करने लग जाते हैं, कठोर एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, साधारण रूप से ही रहे जैसे आप हर रोज़ रहते हैं, बिल्कुल भी पैनिक ना हो और आराम से आप टीकाकरण करवाएं। तो ये सावधानी रखनी है। आगे चलते हैं, दूसरी सावधानी और क्या रखनी है। स्टेरॉइड का सेवन करने पर, अगर आप स्टेरॉइड या किसी इम्यूनो सुप्रेशन पर है, तो टीका लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। बिल्कुल अगर आप स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं तो उससे पहले आप डॉक्टर की सलाह ले लें, आप खुद डॉक्टर बनने का प्रयास ना करें और डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप टीकाकरण करवाएं। फिर अगली बात है कि अच्छा खाएं, ऐसा भोजन करें जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता हो। संतुलित आहार आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। हाइड्रेटेड रहे, क्या रहना है आपको, हाइड्रेटेड रहना है। साथ ही आपको ऐसा भोजन करना है जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए। संतुलित आहार रहना है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हैवी भी नहीं, ज़्यादा लो भी नहीं, जो आप आहार ले रहे हैं संतुलित होना चाहिए, जिसके अंदर पूर्ण रूप से जितने भी विटामिन प्रोटीन है वो सभी होने चाहिए। चलेगा, आगे चलते हैं। कोविड-19 टीकाकरण के दिन, ठीक है, पहली बात आती है कि सेफ्टी चेक। टीकाकरण वाले दिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, मास्क, दस्ताने और फेस शील्ड लगाएं, स्वच्छता का खास ध्यान रखें। बिल्कुल टीकाकरण के दिन आप मास्क लगाए रखें, दस्ताने पहने रखें और जो चेहरे पर प्लास्टिक की आती है फेस शील्ड उसको लगाएं, ठीक है, और साथ ही स्वच्छता का ध्यान रखें, ढीले कपड़े पहने। फिर आगे बात आती है कि टीकाकरण के उपरांत ढीले कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहने जो टीका लगने पर आरामदायक हो और वो ऊपरी बाह्य तक आसानी से फोल्ड हो जाए। यानी टीका लगाने के लिए बाएं यानी ढीले कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि आसानी से टीका लगाया जा सके। आगे बात करते हैं, हाइड्रेटेड रहे, टीकाकरण के दिन हाइड्रेटेड रहे। डिहाइड्रेशन के कारण आपको चक्कर या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए ऊर्जावान बने रहे, जिससे कि आप जब आपको टीका लगेगा तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई आपको क्या नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तो ये आप ध्यान रखें। फिर आगे बात करते हैं, टीका लगवाने के बाद आपको क्या करना है, खुद को मॉनिटर करें। टीका जैसे ही आपको लग जाता है तो खुद को मॉनिटर करें। अब कैसे मॉनिटर करना है भाई, घबराए नहीं। पहली बात तो है कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, स्ट्रेस फ्री रहे, बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं। किस बात का टेंशन ले रहे हैं, टीकाकरण के बाद गंभीर साइड इफेक्ट का चांस बहुत कम है। बिल्कुल ये अफवाह बिल्कुल ना फैलाए कि भाई टीकाकरण के बाद
यह हो सकता है, वो हो सकता है, टीकाकरण के बाद गंभीर साइड इफेक्ट का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। अगर कोरोना होता भी है तो इतना घातक नहीं होता है, मृत्यु के चांस बिल्कुल कम बनते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। पर आप अपने लक्षणों की निगरानी खुद करते रहे, बिल्कुल आप अपने लक्षणों की निगरानी करते रहे। अगर उल्टी, एलर्जी, बेहोशी, खुजली जैसे लक्षण महसूस हो तो तुरंत चिकित्सा की क्या लेनी है, सहायता लेनी है, तो डॉक्टर से संपर्क करना है। फिर अगली बात, शराब से दूरी बनाए टीकाकरण के दिन और उसके बाद शराब से दूरी बनाए। अगर ये बहुत ज़रूरी है तो डॉक्टर की सलाह ले, मॉडरेशन में पिए, जिससे आपके शरीर को नुकसान ना हो, तो इसका भी आप खास ख्याल रखें। अब जो सावधानी और है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि टीका लगवाने के बाद कौन कौन सी सावधानी है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि हम क्या करते हैं, पेन किलर यानी दवाएँ लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल शरीर दर्द करने लग जाता है तो हम टेंशन या पैनिक होकर दवाएँ ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान दें, पेन किलर दवाएँ खाने से बचें, टीकाकरण के बाद दर्द दूर करने वाली पेन किलर दवाओं के सेवन से बचें। इससे आपकी इम्यूनिटी बिगड़ सकती है और साइड इफेक्ट का खतरा बढ़ सकता है, तो ये आप खास ध्यान रखें कि जब आप टीकाकरण के बाद दर्द को दूर करने के लिए पेन किलर जैसी दवाओं का प्रयोग ना करें, इनके सेवन से बचें। हो सके तो आप डॉक्टर की सलाह लें, जिससे आपके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। अब देखिएगा दोस्तों, आगे बात करते हैं कि और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। तो ये वीडियो आपको शेयर करना है, क्योंकि ये आप सभी के अंदर शेयर करें, जिससे कि अगले वाले को जानकारी मिल सके और जागरूक हो सके, क्योंकि अभी हमें जागरूकता का ही अभियान चलाना है। कोविड नियमों का पालन करते रहे, शारीरिक दूरी, मास्क और अन्य सुरक्षात्मक गियर पहनना जारी रखें। तो आपको क्या क्या करना है कि कोविड नियमों का पालन करते रहे, मतलब शारीरिक दूरी तो बनानी है ही। ऐसा नहीं कि भाई जैसे ही आपके टीका लगा तो आप बेफिक्र होकर घूमने लग गए कि नहीं यार आप तो मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप शारीरिक दूरी भी बनाए रखें और मास्क और सुरक्षात्मक गियर पहनना जारी रखें, बिल्कुल मास्क भी पहनना है और अपने आप की सुरक्षा आपको स्वयं करनी है, कोई और करने वाला नहीं है, क्योंकि दौर ही ऐसा है, तो इसलिए इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि 18 से 44 साल के उम्र वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। तो बिल्कुल आप 18 से 44 के बीच में हैं तो आप अपने टीकाकरण का पंजीकरण जरूर करवाएं। तो आगे बात करते हैं, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए कोविन ऐप से पंजीकरण करना अनिवार्य है, इसके बिना अभी टीकाकरण नहीं होगा। तो आप कोविन या आरोग्य सेतु ऐप या आप इसकी साइट पर जाकर इसका पंजीकरण करवा सकते हैं। 45 साल या उससे अधिक उम्र के लोग भी टीका लगवाने के लिए ऑन साइट पंजीकरण करवा सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखें। टीकाकरण सभी को करवाना है और टीकाकरण के दौरान और टीकाकरण से पहले जो जो सावधानी रखनी है वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा भी आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और बिल्कुल भी पैनिक ना रहे और किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दे और ना ही आप अफवाहों को फैलाएं, क्योंकि इस दौरान जितनी आप जागरूकता फैलाएंगे वो आपके लिए पुण्य का काम होगा और मुझे पूरी उम्मीद है आप यह जागरूकता ज़रूर शेयर करेंगे। और बिल्कुल सभी का स्वागत है और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। खुश रहे, मस्त रहे और हंसते रहे। ये दौर है मुश्किल का, अपने आप गुजर जाएगा।